लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। छात्राएं स्कूल के क्लासरूम में बियर पीती और बीड़ी के सुट्टे मारती हुई पार्टी करती दिख रही हैं। इस वाकये की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। वायरल वीडियो मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम भटचौरा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का बताया जा रहा है। बीते 29 अगस्त को 12वीं क्लास की एक छात्रा का बर्थडे था। इसी दौरान छात्राओं ने बियर के साथ बर्थडे पार्टी मनाई। वीडियो वायरल होने के बाद अब स्कूल के शिक्षकों पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर स्कूल में बियर की बोतल कैसे पहुंची और इसकी भनक शिक्षकों को कैसे नहीं लगी। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद प्रभारी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मस्तूरी शिवराम टंडन जांच करने भटचौरा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचे और दोषियों पर उचित कार्यवाही करने की बात कही है। 8 सितंबर को जो है ये फोटो जो है जनपद सदस्य और एसएमडीसी भटचौरा के उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा जो है मुझे फोन पर भेजी गई और मैंने उस फोटो को देख करके जो है तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को फोटो सेंड करके उनको टेलीफोनिक बात किया था और घटना का संज्ञान जो है मैं उनको जानकारी में लाया था। जो है सर के निर्देश पर हम लोग जो है आज जो है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भटचौरा में घटना के जांच के संबंध में विभिन्न पक्षों का प्रचार से लेकर के स्टाफ और जो शामिल बालिकाएं हैं उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। और जैसे कि जिस कक्षा में घटना हुई है उस कक्षा में प्राथमिक शाला लगता है और उसके बाद जो है प्राइमरी प्रधान पाठक का कहना है कि उसका उपयोग जो है फिर सेकंड टाइम में 12 से 5 बजे हायर सेकेंडरी विद्यालय लगता है तो उनके द्वारा उपयोग किया जाता है। और जिस समय मॉर्निंग शिफ्ट में प्राथमिक शाला लगा था उस समय इस प्रकार से जो निषेध क्षेत्र जांच में अपने अपने तरीके से उन्होंने अब बयान दिया है उसका मिलान करना पड़ेगा। लेकिन हाँ प्रचार महोदय नकार रहे हैं लेकिन जो है प्राथमिक शाला प्रधान पाठक के बयान और जो फोटो में प्राप्त वीडियो के आधार पर निश्चित है कि वो भरा हुआ बाटल था और जो ग्लास में जो दिख रहा है कलर उसके हिसाब से वो बियर बाटल के समान ही लग रहा है। और इसमें वो बाटल जो है यहाँ स्कूल कैंपस में कैसे आया निश्चित रूप से शाला प्रबंधन की लापरवाही है। सभी पक्षों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है और उसके आधार पर जो है जिला शिक्षा अधिकारी को कार्यवाही के लिए हम लोग प्रेषित करेंगे। बिल्कुल शाला प्रबंधन की लापरवाही है क्योंकि ये घटना जो है 29 जुलाई को ये घटना फोटो शूट किया गया था और क्योंकि कुछ बच्चों के द्वारा जो है विद्यालय के जो व्याख्याता हैं पटवर्धन जी जो प्रभार में थे उनको अवगत कराया गया था और प्रचार महोदय जब स्कूल आए थे तो उनको भी अवगत कराया गया था पटवर्धन सर के द्वारा। लेकिन 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 जो है मतलब जो है प्रचार महोदय के द्वारा जो है ना तो आज तक एसएमडीसी का गठन किया गया है ना ही बैठक बुलाया गया है और ना ही इतने संवेदनशील मैटर पे उनको किसी प्रकार का अवगत कराया गया है। तो निश्चित है प्रबंधन की लापरवाही है। जो हमारा विद्यालय परिसर होता है वो धूम्रपान और मद्य निषेध क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऐसे में किस प्रकार से वो बाटल जो है यहाँ तक पहुंचा और शाला प्रबंधन उसमें जो है क्यों जब उसके जानकारी में आया तो क्यों जो है स्टैंड नहीं लिया ये निश्चित है कार्यवाही योग्य है। जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं उसको मिलान करके और मैं जिला शिक्षा अधिकारी को हाँ अभी अभी हम लोग जब आज आए हमारे कार्यालय के सहायक विकास आरपी एक्का जी और उनके साथ में जांच के सहयोग के लिए श्रीमती रश्मि गुप्ता प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मल्हार ने उस कक्ष का अवलोकन के लिए गए तो उस समय जो है विद्यालय के विद्यार्थी के द्वारा सिगरेट पीते हुए उस कक्षा से निकलते हुए पाया गया। तो निश्चित है कि जो है शाला प्रबंधन जो है व्यवस्था नहीं बना पा रही है कि इस प्रकार से घटनाओं को रोका जा सके जिससे विपरीत प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। और गांव के पालक जन एसएमसी के जो सदस्य हैं अध्यक्ष हैं और महिलाएं हैं वो भी आज आकर के अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं कि हमको शाला प्रबंधन की ऐसी स्थिति रही तो हम अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए नहीं भेजेंगे ये उनका कथन है। तो जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है उसके आधार पर मैं जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को अवगत करा दूंगा और निश्चित है कि प्रबंधन की लापरवाही पाई जाती है तो कार्रवाई होगी। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।